कॉन्ग्रेचुलेशन ओम प्रभु। थैंक यू सर। ऑल इंडिया 44 रैंक के लिए, इस रैंक का वेट हम पिछले 2 साल से कर रहे थे। 2 साल की जो आपकी मेहनत थी 11th एंड 12th की, ये आपने 12th के साथ पूर्ण किया। ओके, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मैं तुम्हें सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पूछना चाहूँगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग कहते हैं ना एक्सेप्शंस हैं, या कुछ चीज़ों को याद रखो, फैक्ट को मेमोरी करो, क्या उसका क्या रोल है? तो जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लोग उन 14 कंसेप्चुअल क्वेश्चन को हटा करके उस एक क्वेश्चन में ध्यान देते हैं और उसमें मतलब कि बोझ डाल देते हैं कि मेरा इसलिए इनऑर्गेनिक नंबर नहीं है। लेकिन सर ने क्या क्लास में क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, उसके बाद जब नीट में 2 महीने बचेंगे सर बोल देंगे कि यार इन चीज़ों को एनसीईआरटी से याद कर लेना। लेकिन अपन साल भर याद करने वाले प्रोसेस को ध्यान नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। तो इसी कारण से आज और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने अच्छे नंबर आए। अच्छा, एक मैं पूछूंगा, जो रैंक बूस्टर कोर्स अपन लेते थे, क्लासेस तो आपने करी थी, रैंक बूस्टर कोर्स का कितना इंपॉर्टेंस रहा कि जिससे तुम्हारा नीट में जो नए एआर पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे या स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आए थे, जो क्वेश्चन दूसरे बच्चों से नहीं होते थे वो तुमने वहाँ किया और तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन करेक्ट हुए। ओके, बताएं। तो सर जब हम रैंक बूस्टर कोर्सेज करते थे उसमें जेई मेंस के भी क्वेश्चन कर रहे थे, तो जेई मेंस 2022 में जो क्वेश्चन आए थे वो एग्जैक्टली मैच कर रहे थे नीट के पैटर्न, क्योंकि एनटीए मतलब जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट 1, तो ये सारे क्वेश्चन के आइडिया मुझे 20 दिन पहले लग गए थे कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए हल्का सा है ना ब्रेन से सेट हो गया था कि यार क्वेश्चन अगर डिफरेंट मिले तो भी कर लूंगा। अच्छा, मेरे क्लास नोट्स को पढ़ने के बाद में क्या एनसीईआरटी की जरूरत है क्या नहीं है? हाँ, क्या मैं सारे एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लास में एक एक एग्जांपल्स ऑनलाइन वगैरह अपन कवर करते हैं? एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स सर क्लास में कवर कर देते हैं। तो लोग जो बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद उसको याद कर रहे हैं, वो उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी चैप्टर में क्लास के बाद बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो ऐसा नहीं इनऑर्गेनिक के 15 में 15 क्वेश्चन कर लेंगे तो अपन बायो 710-720 स्कोर कर लेंगे। हमें सारे सब्जेक्ट में इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसलिए केमिस्ट्री के टाइम को यूटिलाइज करेंगे, क्लास नोट्स को पढ़ के खत्म करेंगे, चीज़ें क्लास में ही मेमोराइज हो जाएंगी अगर कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, और ये चीज़ें खास बनती हैं। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और आगे इंडिया के बेस्ट डॉक्टर बने, MBBS MD या DM जो भी तुम्हारी ड्रीम है, या आगे फर्दर MCS करना है, और ये मेरी तरफ से बेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, यस सर।